Assalamu alaikum and welcome back to another vlog. Hope so you guys are doing well and shukr alhamdulillah, main bhi bilkul theek thaak hoon. Acha, mujhe ek comment aaya tha ki aap na apna introduction diya karein start mein, jaise kai youtubers dete hain, taaki main pata chale aapka naam kya hai aur hum kiske vlogs dekh rahe hain. To main inshaallah chale is pe try karungi, main bataungi aap sabko mera naam kya hai aur aap kiske vlogs dekh rahe hain. Lekin aaj jo hai na Sunday ki routine aapke sath share karungi ki mera usually jo Sunday hai wo kaise guzar raha hota hai. अच्छा जी, इधर था रात का टाइम और बच्चों को मैंने सुला दिया था और आपको पता है कि मदर्स की ड्यूटी तो फिर कहीं देर तक चलती है, उसके बाद जाके ही कहीं उन्हें मिलता है मौका सोने का. तो ये खैर बच्चे सो जाए ना तो बस फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है. मेरा फिर जो भी एक्स्ट्रा काम होना तो वो मैं कर लेती हूँ. और आप देख सकते हैं मौसम कितनी बारिश, वैसे बारिश बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो बस देखने में ही अच्छी लगती है. और रात का व्यू तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे लाइटें जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, लाइट्स जो हैं बहुत प्यारी लगती हैं. इधर था, अब टाइम नहीं मुझे याद, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कोई 10 का टाइम था शायद, खैर टाइम नहीं मुझे याद, लेकिन व्यू जो है वो बहुत प्यारा था. और मैं करने लगी थी सुबह की तैयारी. जब भी संडे आता है ना, क्योंकि संडे को होते हैं हस्बैंड भी घर और सब बच्चों को, तो वैसे ही खैर सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ स्पेशल बनाऊं, क्योंकि एक ही छुट्टी होती है फ़िलहाल मेरे हस्बैंड को, जो वो जॉब कर रहे हैं उसमें उन्हें एक ही छुट्टी मिलती है. और बस उस दिन फिर कोशिश होती है कि सारी फैमिली मिल बैठ के खाना खाएँ और ऐसा खाना बनाऊँ जो कि बच्चे भी खुश होकर खा लें और बड़े भी. बड़े तो खैर खा ही लेते हैं, आपको पता है बच्चे जो है ना उनका ही नखरे ख़त्म नहीं होते. और मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम लोग छोटे थे कोई हमारे ऐसे नखरे नहीं उठाए जाते थे, बल्कि हमें कोई ऑप्शंस नहीं दिए जाते थे. अम्मी कहती थी खाना है तो खाएं, नहीं खाना तो ना खाएं. तो मुझे लगता है वो बात ठीक रह जाती है. अब हम बच्चों को इतने ढेर सारे ऑप्शंस देने लग जाते हैं ना कि अच्छा ये नहीं खाना तो ये खा लें, तो बच्चे भी बिगड़ गए हैं. अच्छा, मैंने बनाना था रोस्ट और उसको मैंने लगाया मसाला सिंपल, मैंने योगर्ट और उसमें नॉर्मल जो मसाले होते हैं वो ऐड किए थे. अगर आपके पास चिकन टिक्का मसाला है तो वो ज़रूर ऐड करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट जो आता है. और कई लोग तो इसको कोयले का धुआं भी देते हैं स्मोकी चिकन बनाने के लिए, तो खैर वो भी अच्छा बनता है. तो मैंने सिंपल सा ही मसाला लगाया था, नमक मिर्च हल्दी गर्म मसाला सूखा धनिया और थोड़ा सा मैंने वो इसमें ऐड किया था चिकन टिक्का मसाला. अच्छा, उसके बाद फिर देखें मैंने किचन नीट एंड क्लीन कर दिया था. जब किचन नीट एंड क्लीन होता है ना तो आपको ऐसे सुकून महसूस हो रहा होता है, क्योंकि जब सुबह आप जागते हैं और कई दफ़ा सुबह मूड भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि कई दफ़ा रात को नींद नहीं पूरी हुई होती, और जब हमें किचन सुबह साफ़ सुथरा मिलता है ना तो हमारी आधी थकावट जो है ना वो दूर हो जाती है. इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना किचन जो है ना वो क्लीन करके सोऊँ. लेकिन मैं, मेरी बेटी छोटी है और कभी कभार ऐसा होता है कि वो रात को ज़रा देर से सोती है, मैं उसे लिटाने के लिए उसे सुलाने के लिए लेटूं तो मुझे खुद भी कई दफ़ा नींद आ जाती है. तो अपने ऊपर बर्डन ना डाला करें. देखिए, जब आपके घर छोटे बच्चे होते हैं ना तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे परफेक्ट हो रही है. अपने आप को ज़्यादा थकाया ना करें, वैसे कोशिश किया करें कि आपका किचन जो है रात को नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि कहते हैं कि जो धोने वाले बर्तन है ना वो ऐसे छोड़ने नहीं चाहिए, ऐसे घर में बरकत नहीं रहती. अच्छा, इधर हो चुकी है सुबह और मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी. मैंने आपको बताया कि संडे है और मैं अपने हस्बैंड की मर्ज़ी का खाना बनाती हूँ उस दिन जिसमें वो खुश हों. तो उन्होंने फरमाइश की थी कि वो आलू वाले सैंडविच खाएंगे, और ये जो आलू वाले सैंडविच है ना ये बहुत मज़ेदार बनते हैं. एक तो ये होता है ना कि इनको हम सैंडविच मेकर में बनाते हैं वो ज़रा ड्राई बनते हैं, वो मज़ा नहीं आता, लेकिन इसकी फीलिंग भी ज़रा डिफरेंट होती है. इसकी फीलिंग में जाता है लेमन और प्याज और बाकी नमक मिर्च, और इसको एग में डिप करके थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई किया जाता है. लेकिन खैर मेरे हस्बैंड चीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि वेट लूज़ की ट्राई तो वो भी कर रहे हैं लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं खाया था. मैंने जस्ट अपने हस्बैंड के लिए एक ब्रेड बनाई थी, मतलब इसके दो सैंडविच बन जाएंगे, और अपने लिए मैंने वही सिंपल सा मैंने बनाया था नाश्ता, फ्राई एग और उसके साथ मैंने ब्रेड ली थी. और इसके साथ फिर मैंने बच्चों के लिए बनाया था नाश्ता, और बच्चे जो हैं बस जो कुछ वो कहें मैं उन्हें बना के दे देती हूँ कि बस वो खुश हो के खा लें. कभी कभार इनको मैं वाफल बना देती हूँ, पैनकेक बना देती हूँ, वैसे वो खुश हो के नुटेला वाले जो सैंडविच है वो बड़े खुश हो के खाते हैं. तो ये वो लास्ट टाइम गए थे तो अपनी मर्ज़ी से ये वो ले के आए हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें फिर ये बना दिए. तो बहुत इजीली बन जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा, और इस तरह से हमने अपना जो नाश्ता है ना वो एंजॉय किया था. बिल्कुल टाइम नहीं लगता. ये जो आलू वाले सैंडविच है ना ये भी बहुत जल्दी बन जाते हैं. और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि संडे को वैसे तो छुट्टी होती है, मतलब ये कि आप पे कोई एक्स्ट्रा ये बच्चों को लेना छोड़ना ये वाले काम नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है संडे को लेडीज़ का काम बढ़ जाता है.
संडे को आपको आराम करने का मौका कम मिलता है क्योंकि फेवरेट लंच, फेवरेट डिनर और फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाते बनाते वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये काम, और बस इसी तरह से दिन गुजरता है। लेकिन ये है कि दिल को तसल्ली होती है कि सब खुश, तो माँ खुश, बीवी खुश, क्योंकि घर की औरतों की खुशी तो इसी में होती है कि सबका बस मूड अच्छा रहे, क्योंकि छुट्टी वाले दिन सब फैमिली जो है वो मिलके टाइम स्पेंड करती है। और जर्मनी में संडे जो है ना वो बहुत बोरिंग होता है क्योंकि इधर सब कुछ बंद होता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इधर कोई सुपरमार्केट्स वगैरह जो है ना, खैर खाने पीने वाली, वो बंद होती हैं। जस्ट रेस्टोरेंट वगैरह ओपन होते हैं, इसके अलावा कोई भी ना शॉपिंग मॉल्स कुछ भी ओपन नहीं होता। और मुझे ये बड़ी अजीब बात लगती है कि संडे को ही तो छुट्टी होती है और इनका मानना यह है कि संडे को घर में आराम करना चाहिए। तो बस ये जर्मन लोग जो हैं इनकी अजीब ही रूल्स हैं, अजीब ही बातें हैं। तो संडे को ये लोग आराम करते हैं तो हमें भी फिर इनके साथ घर में ही रहना पड़ता है। वैसे तो मुझे लगता है कि संडे वाले दिन ज़रा बाहर निकलना चाहिए, लेकिन आराम भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हस्बैंड को एक ही छुट्टी होती है। तो कभी कभार खैर बाहर भी चले जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट वगैरह पर भी चले जाते हैं, लेकिन आजकल तो मैं खुद ही अवॉइड कर रही हूँ। अगर जाएँ भी हस्बैंड तो वो बस मैं कहती हूँ कि आप बच्चों को ले जाएँ और उन्हें उनकी पसंद का खाना वगैरह आप खिलाएँ, क्योंकि जब मैं खुद जाऊँगी साथ तो फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होगा खाने पर, और मैं कोई चीटिंग नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ बस वेट जो है ये एक दफ़ा कम हो जाए। ये सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट वगैरह, ये सब तो इधर ही हैं, फिर भी इंसान जाया जा सकता है। और मेरा दिल है ईद से पहले कम अज़ कम अपना जो आइडियल वेट है ना मेरा, जितना मैं करना चाहती हूँ उतना मैं अचीव कर लूँ। अच्छा, इधर मेरा जो नाश्ता है वो देखिए बन के तैयार हो गया। सैंडविच आप देख ही सकते हैं कि कितने मज़ेदार हैं। इनमें मैंने लगाया था चीज़ क्रीम लगाई थी, अगर आप चाहें तो इसमें मायोनीज भी लगा सकते हैं, उससे भी टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और मुझे तो अरसा ही हो गया, खैर पहले मैं बड़े शौक से मैं भी खाया करती थी जब हस्बैंड के लिए बनाती थी, लेकिन आजकल बस कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी बड़ी बेरंग हुई पड़ी है क्योंकि अच्छा खाना मतलब चटपटा खाना नहीं है ज़िंदगी में। और देखिए, आपको कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ नहीं खोना पड़ता, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपनी लाइफ में से निकालनी पड़ती हैं अपना वेट कम करने के लिए। तो खैर ये बातें तो फिर ऐसे ही हैं। आप देखें फिर नाश्ता मेरा, मज़ेदार सा नाश्ता जो है वो हो गया था रेडी और हमने इंजॉय किया था अपना नाश्ता। और ये खैर कुछ पिक्चर्स ऐड हो गई हैं मुझसे, मैंने समझा था कि शायद वीडियो है और वो मैं अभी देख रही हूँ कि वो पिक्चर्स थी। अच्छा जी, इस वक्त खैर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आजकल हो रही है गर्मी और मैंने बालकनी का डोर ओपन किया हुआ है, तो बाहर से ट्रैफिक की आवाज़ें आपने इग्नोर करनी है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने की थी नमाज़ अदा, और उसके बाद फिर मैंने कुछ ना कपड़े वॉश किए थे, कुछ बेडशीट वगैरह जो है ना ये वॉश की हुई थी, और उनको मैंने लॉन्ड्री को फोल्ड करना था। बेडशीट वगैरह को मैंने अच्छे तरीके से फोल्ड करके उनकी जगह पे रखना था। मुझे लॉन्ड्री फोल्ड करना ज़रा नहीं पसंद, हालांकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता लेकिन मुझे नहीं पसंद। तो आपको मेरे ब्लॉग्स में अक्सर ही मेरी लॉन्ड्री जो है ना वो टोकरी में पड़ी हुई नज़र आती होगी। खैर होती भी बहुत ज़्यादा है लॉन्ड्री, हम बमुश्किल 2 से 3 दिन गुजरते हैं, उसके बाद अगेन मुझे मशीन जो है वो ऑन करनी पड़ती है, प्लस बेडशीट वगैरह आपको पता है हफ्ता डेढ़ इसके बाद लाजमी चेंज करनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को, मेरी कोशिश होती है कि अब तो खैर गर्मी है, बच्चे डेली भी या 2 दिन बाद ज़रूर शावर जो है ना वो ले रहे होते हैं, तो संडे को तो लाजमी मैं इन्हें शावर दिलवाती हूँ क्योंकि मंडे को इन्होंने जाना होता है स्कूल। तो इधर मैंने बच्चों के निकाले थे कपड़े वगैरह, और बच्चे जो है ना वो इन पजामाज में, स्लीपिंग पजामाज में बड़ा वो इजी रहते हैं। खैर मेरा खुद भी यही हिसाब है, मैं बिल्कुल तैयार श्यार होकर घर में नहीं रह सकती, मुझे बड़ा ऐसे अनकंफर्टेबल फील होता है। डेली रूटीन में कई लोग होते हैं जो मेकअप वगैरह करके रहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं घर में मेरा हाल ऐसा होता है कि बस वो जैसे मासी होती है तो मैं इसी हुलिये में कंफर्टेबल रहती हूँ, मैं नहीं फैंसी कुछ भी घर पहन के घूम सकती। तो मैंने खुद अपने नाइट सूट रखे हुए, मैं उन्हीं में होती हूँ, बस कहीं बाहर जाना हो तो मैं कपड़े चेंज करती हूँ, अदरवाइज़ मैं उनमें बड़ा कंफर्टेबल फील कर रही होती हूँ। अच्छा, इधर हो गया था लंच प्लस डिनर, क्योंकि नाश्ता लेट करते हैं सब, क्योंकि सब लेट उठते हैं और फिर जो लंच है वो ऑटोमेटिकली डिले हो जाता है, तो फिर लंच और जो डिनर है ये दरमियान का टाइम होता है, तो फिर शाम को भूख नहीं लग रही होती। और जो लंच मैं बना रही थी ये तो आपको ज़्यादा देर आपका पेट जो है ना वो फुल रहता है, आपको इतनी जल्दी भूख नहीं लगती, तो उसके साथ मैंने बनाया था सैलड। ये सैलड इतना मज़े का बनता है ना, आप जो चाहें इसमें ऐड कर लें, अपनी मर्ज़ी के फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एप्पल ही ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा बनता है, बनाना अवॉइड करें आप।
और इसके साथ आप सैलड यूज़ करें, खीरा यूज़ करें, टमाटर अवॉइड करें और इसमें थोड़ी सी हनी ऐड करें, थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करें और जी आपका सैलड जो है वो रेडी है। लेमन ऐड करें। अच्छा, उसके साथ फिर आपको पता है रोस्ट के साथ चटनी तो मस्ट होती है ना, तो मैं फ्रेश ही चटनी प्रेफर करती हूँ। वैसे रमज़ान में ना मैंने फ्रीज़ की थी चटनी, अदरवाइज़ मैं फ्रेश ही बना रही होती हूँ। और देखें, झटपट आपसे बातों ही बातों में मेरा जो खाना है, मेरा जो लंच है वो रेडी हो गया था। बहुत मज़ेदार बना था रोस्ट। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपका रोस्ट अच्छा बने, मतलब ये कि अंदर तक वो ऐसे सही से नरम हो, गला हुआ हो, तो आपने उसको ओवरनाइट मैरिनेट करना है और कट अच्छे तरीके से लगाने हैं। और जब आपने मसाला लगाना है ना, तो कोशिश करनी है कि उसके अंदर तक जो मसाला है वो जाए। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना मज़ेदार मेरा लंच जो है रेडी था। साथ मैंने इसके पोटैटो बॉयल किए थे, ऐड किए थे। पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभार, मुंह से आपके अल्फाज निकल ही नहीं रहे होते। और अभी मेरा ध्यान था ट्रेन की तरफ जो कि गुजरी है ऐसे। कभी कभी मुझे लगता है हमारे बिल्कुल घर के नीचे है ट्रेन स्टेशन, और बस ट्रेन्स की आवाज़ें फिर आ जा रही होती हैं, और मुझे अक्सर फील होता है कि जैसे मैं स्टेशन पर सोई हुई हूँ, इतना किसी वक्त वो हो रहा होता है। तो बस देखें, कुछ चीज़ों के लिए कुछ आसानी होती है और कुछ के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर मुझे ये सहूलत है कि मेरे घर के नीचे बिल्कुल है ट्राम स्टेशन है, तो फिर मुझे ये वाली चीज़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बर्दाश्त कर लूँगी लेकिन ये बहुत बड़ी सहूलत है मेरे लिए। और मैं आपको बता रही थी कि मैंने इसके साथ जो पोटैटो है ना वो बेक किए थे। मुझे पोटैटोज बहुत पसंद है पर्सनली ना, किसी भी खाने में हो, चाहे बिरयानी में हो, मैं जब भी रोस्ट बना रही होती हूँ मैं इसके साथ ज़रूर पोटैटो जो हैं वो करती हूँ, बेक करती हूँ। मुझे नहीं पता लोगों को क्यों नहीं ये पसंद होते, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आता है। स्पेशली जब आप इस तरह से बेक करते हैं ना पोटैटो, तो इनका एक अलग ही टेस्ट आ रहा होता है। और जी इधर फिर मैंने अपना जो टेबल है वो सजा दिया था। और मेरी कोशिश होती है कि बस संडे वाले दिन सब घर होते हैं तो सब मिल बैठ के लंच करें ना, बिल्कुल बच्चों को भी मैं साथ बिठाती हूँ ताकि बच्चों को भी पता चले कि फैमिली टाइम क्या होता है, और कुछ उनके लिए अच्छी मेमोरीज़ भी बन जाएँ कि कैसे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे साथ लंच इंजॉय किया करते थे, डिनर या कोई भी खाना हो। तो ये बहुत छोटी छोटी सी मेमोरीज़ होती हैं और आपको ज़रूर ये अपनी फैमिली में ये करनी चाहिए। अच्छा, मैं आज ना आपके साथ शाम तक की रूटीन अपनी शेयर करूँगी, मतलब पूरे दिन की रात गए तक की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। और जो इस तरह के ब्लॉग्स होते हैं ना, ये फिर काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो अभी तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं ब्लॉग को ज़रा छोटा कर दूं क्योंकि कई लोग होते हैं जिन्हें लंबे ब्लॉग्स देखना पसंद होते हैं, और कई लोग होते हैं जो बस छोटे छोटे ब्लॉग्स जो है वो देखना पसंद करते हैं। लेकिन जो इस तरह के डेली रूटीन वाले ब्लॉग्स या जो दावत वाले ब्लॉग्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली लंबे हो जाते हैं क्योंकि आपने पूरा दिन उसमें शो करना होता है। अच्छा, मैंने फिर अपना लंच वगैरह इंजॉय करने के बाद देखें आ गई हूँ मैं अपने काम पर बर्तन वगैरह मैंने मशीन में लगाए, और फिर जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो तो फिर मैंने जल्दी से बस हाथों से वॉश करके तो मैंने किचन को एक दफ़ा नीट एंड क्लीन किया। मुझे बड़ी उलझन होती रहती है कोई भी काम करने वाला होना, स्पेशली किचन या कोई भी बिखरा हुआ काम है, तो जब तक वो मैंने कर नहीं ना लेना होता तो मुझे बस बैठे हुए भी सुकून नहीं आ रहा होता, बस वो टेंशन होती है कि वो काम पड़ा हुआ है और वो मैंने करना है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो काम है वो साथ ही साथ निपटा के मैं सुकून से बैठूँ। और फिर इसके बाद मैंने चाय भी बनाई थी, आपको पता है चाय के बिना हमारा बिल्कुल नहीं गुजारा। और कभी कभी मैं सोचती हूँ काश हम बचपन से ना चाय पीते होते तो आज हमें ये बिल्कुल हमें आदत ना होती ना चाय की। और ये जो ट्रे है आपको पता है ये तो फिर इतनी जल्दी क्लीन नहीं होता, तो इसका बेस्ट वे ये होता है कि आप ना इसमें गर्म पानी, थोड़ा सा डिश वाशर डिशेज़ वाला जो सोप है वो ऐड कर दें आप इसको ना, आप तकरीबन 15 या आधे घंटे के लिए भी रख देना तो बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगा आपको, ज़्यादा फिर मेहनत आपकी नहीं लगेगी इसको क्लीन करने में। तो इसको मैंने ऐसे रख दिया था और बाकी किचन जो है वो मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था, दिल को सुकून आ गया था। अच्छा, इसके बाद फिर कुछ छोटे मोटे काम मैंने किए थे, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि व्लॉग पहले ही इतना लंबा हो गया है। फिर ये था रात का वक्त और बच्चे सो गए थे, और फिर हम लोग ज़्यादातर जो है ना अपना फेवरेट ड्रामा जो है ना वो देख रहे होते हैं, या कोई मूवी वगैरह लगा ली या कुछ ड्रामा लगा लिया, और फिर आपको पता है उसके साथ कुछ खाने पर दिल चाह रहा होता है। तो फजूल कैलोरीज ज़्यादा करने वाली चीज़ों से बेहतर है आप कुछ हेल्दी खा लें। तो फिर हम लोग ऐसे कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह जो है मिक्स वो रख लेते हैं साथ, या फिर मैं बना लेती हूँ मतलब फ्रूट वगैरह काट लेती हूँ सिंपल, मतलब उसके अंदर कोई क्रीम कोई कुछ नहीं, जस्ट उसके अंदर नट्स वगैरह डाल के तो वो इंजॉय करते हैं। तो साथ कोई गपशप लगाई, कुछ दिल की बातें की, कोई ड्रामा वगैरह इंजॉय किया। तो इस तरह से हमारा गुजरता है वीकेंड। और
अल्लाह आप सबको भी अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। ये था मेरा आज का व्लॉग और ये थी मेरी संडे की रूटीन। जर्मनी में यूजली मेरी यही रूटीन होती है, ज़्यादातर मैं यही कुछ कर रही होती हूँ। कुछ काम जो है वो बस आगे पीछे होती हैं, अदरवाइज़ रूटीन जो है वो सेम ही होती है। तो इस तरह से गुजारा हमने अपना संडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।